तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिन्हें मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूँ, उनका नाम क्या है? मैं इसका उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु तुम्हें मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। आओ मेरे साथ। तो बताओ वो दिखने में कैसे हैं? जैसे कोई बलशाली योद्धा हो। भयंकर असुर योद्धा या? नहीं, वो तो त्रिदेव के अवतार लगते हैं। प्रभु श्री गणेश जी ने भी कहा था वो देवता समान होंगे। फिर क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? वो नारायण तो नहीं थे, ये तो मैं जानती हूँ, किंतु उनके मुख पर मुस्कान बिल्कुल नारायण जैसी ही थी। अर्थात वो नारायण के संबंधी हैं, उनके ही कोई वंशज। तो क्या वो ऐसे हैं? वो धनुर्धारी तो है। ऐसी? हाँ, उनकी आंख, ओठ, मुस्कान सब इनके जैसी ही थी, और आंखों में शरारत भी बिल्कुल ऐसी। अर्थात ऐसे आकर्षण वाला मुख तो श्री कृष्ण के कुल में ही संभव है। ये हैं वो राजकुमार जो स्वप्न में आकर तुम्हारे हृदय में बस गए हैं। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। प्रभु श्री कृष्ण के पौत्र हैं। तो उनसे मेरी भेंट कब कराएंगी आप? आपने वचन दिया था उसे पूरा करेंगी ना, मुझे उनसे मिलाएंगी ना? मैंने वचन तो दिया था, किंतु लीलाधर है श्री कृष्ण, मैं उनके पास जाकर इन्हें वहां से कैसे लेकर आऊंगी? तो शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना लिखा ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में ना होता तो मैं भला वचन क्यों देती? मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारे ही समान श्री विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद चाहिए। यदि उनसे तुम्हारी भेंट नियत है तो विघ्नहर्ता अवश्य सहायक बनेंगे। अब क्या होगा प्रभु? देवी चित्रलेखा ने उचित कहा, जब तक प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अनिरुद्ध पर रहेगा उन्हें वहां से लाना कठिन होगा, किंतु देवी उषा और अनिरुद्ध की अभी भेंट होना आवश्यक है, अन्यथा नरकासुर के पापों के अंत में और देर होगी। नरकासुर का डर अब तक सभी राजकुमारियों पर छा चुका होगा। जाओ जाकर देखो। तुम चिंता मत करो उषा, तुम अपने घर जाकर प्रतीक्षा करो। मैं अपनी माया का प्रयोग कर
तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे युक्ति का प्रयोग करना होगा जिससे प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अपने पौत्र पर ना रहे। किंतु आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? भक्ति के आगे सभी प्रयास फीके पड़ जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, भक्ति भाव से उनकी स्तुति करूंगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं द्वारका तो पहुंच गई, बस अब किसी प्रकार भीतर जाना है। मिल गया द्वार। यहां तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, यहां तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है। ऐसे में मैं अनिरुद्ध को लेकर नहीं जा सकती। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। प्रभु श्री कृष्ण पर तो मेरी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, फिर कैसे होगा उषा और अनिरुद्ध का मिलन जो नरकासुर के अंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी पूजा प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही है? गणेश जी इतनी देर से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं प्रभु की योजना विफल हुई तो फिर चित्रलेखा कैसे सफल होगी? और वो ना हुआ तो हम बाणासुर के शोणितपुर में ही रह जाएंगे। प्रभु को मेरे यहाँ होने का आभास हो गया, वो और सतर्क हो गए। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया। हे प्रभु गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। मुझे एक निष्ठ होकर एकाग्रता से प्रभु की भक्ति करनी होगी। तो शीघ्रता कीजिए, इससे पहले कि प्रभु श्री कृष्ण वह चित्रलेखा को देख ले। विघ्नहर्ता श्री गणेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे प्रभु गणेश जी।
श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। 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 लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अंततः मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ पार्वती नंदन गणेश, किंतु मुझे बुलाने के लिए इस आराधना की क्या आवश्यकता थी? संदेश भिजवा देते तो मैं वैसे ही आ जाता। कार्य बहुत आवश्यक था, संदेश भिजवाने का समय नहीं था प्रभु। अच्छा, ऐसा क्या कार्य था? वो कष्ट में है प्रभु। मुझे उन राजकुमारियों की चिंता हो रही है। प्रतिशोध की अग्नि में नरकासुर धरती की सभी निर्दोष राजकुमारियों की आहुति देना चाहता है। उनकी पीड़ा, उनके कष्ट का ज्ञान है मुझे, किंतु समय से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके समान मैं भी तो नियति से बंधा हूँ। अब इन्हें यहाँ से उषा के पास ले जाती हूँ, किंतु कैसे? अब मेरे प्रस्थान का समय है। रुकिए प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जी अभी भरा नहीं। मेरी आँखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब मैं आपकी मुस्कान, आपके कमल नयन और आपके मनोहर रूप को ठीक से निहार लूंगा। कान्हा, गोविंद, कन्हैया, माधव, श्याम, अच्युत, द्वारिकाधीश, श्याम सुंदर, हरि, विष्णु, ऋषिकेश, जगन्नाथ, कंजलोचन, मोहन, मुरलीधर, नारायण, साक्षी गोपाल, मथुरानाथ, बैकुंठनाथ, आपके इन अनंत नामों की भांति आपकी लीला भी अनंत है। आपके भक्त जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आप उसी रूप में दर्शन देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो और प्रभु, आपकी मधुर वंशी की ध्वनि का अद्भुत सम्मोहन है। बस गणेश जी बस, आपका कार्य संपन्न हो चुका है, अब मुझे यहाँ रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जो आप चाहते थे वो हो चुका है। आपको पता था प्रभु, हरि अनंत हरि लीला अनंता, ये मैं क्या कर रहा था? जिन्होंने अपनी लीला से संसार को मोहित किया है उनसे लीला करने का प्रयास कर रहा था, किंतु ये भी तो आपकी ही लीला है प्रभु। जो हुआ उसका होना अनिवार्य था, इसलिए मैंने उसे होने दिया। नियति के बहाव को आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा उसमें मैं सदा सहायक बनूंगा।
कौन है वहाँ? वहाँ वृक्ष के पीछे कौन हो तुम? चलो देखते हैं। यह तो बस चित्र है। किंतु सतर्क हो जाओ, लगता है किसी की माया है ये। प्रभु, मैं चाहता था चित्रलेखा अपने कार्य में सफल हो, किंतु मेरी वास्तविक इच्छा तो उन राजकुमारियों को नरकासुर से मुक्त कराने की है, उनके कष्ट को दूर करने की है। माता कामाख्या से अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए नरकासुर धरती की इन सभी निर्दोष राजकुमारियों से विवाह कर उनका जीवन नष्ट करना चाहता है। मेरी मायाविनी इन्हें ताड़ना देने की जगह इनकी सुरक्षा कर रही है। मेरे हाथों का खिलौना मुझे ही चुभा है। मेरे कारण ही तुम सभी का अस्तित्व है और मेरे ही आदेशों का पालन नहीं कर रही हो। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कौन सी माया का प्रभाव है ये जो मेरे प्रहार को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने अपनी माया से तुम्हें बनाया था और अपनी माया से ही तुम्हें नष्ट भी करूंगा। मेरी मायाविनी जो तुम्हारी ढाल थी वो तो नष्ट हो गई। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। नरकासुर के क्रोध को दिखाने का परिणाम ही जातियो। अब देखता मेरी अग्नि का ताप अधिक देर रहता है या तुम्हारा तप। टूटेगा, अवश्य टूटेगा। तुम्हारा ये मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तप बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा। जाओ, जाकर कह दो मेरे मित्र बानासुर से ये उसके मित्र का विवाह होने वाला है। क्या हुआ? तप पर मेरा ताप भारी पड़ने लगा? सोच लो, ध्यान से सोच लो, क्या करना चाहती हो? मेरी अग्नि में जलकर भस्म होना चाहती हो या फिर मेरी रानी बनकर सुख ऐश्वर्य पाना चाहती हो? मेरी मानो, विवाह का जोड़ा पहनो, राज और राजसभा में। जब तक ये राजकुमारियां श्री कृष्ण का नाम लेती रहेंगी, ये अग्नि इन तक पहुंचने के स्थान पर एक कोमल लाल पुष्प के समान बनी रहेगी। नितंबजित भूधरं
सुर नितंबिनी सेविता। अब क्या होगा प्रभु? वही होगा मूषक जी जो नियति में लिखा है, हमें तो बस उसमें अपना भाग निभाना है। प्रभु ये क्या कह रहे हैं? किस भाग को निभाने की बात कर रहे हैं? चित्रलेखा जी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार अनिरुद्ध को। कहाँ है वो? यहाँ। ये क्या किया आपने चित्रलेखा जी? उन्हें चित्र क्यों बना दिया? क्या अब मैं चित्र के सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? शांत हो जाओ, चिंता मत करो, ये तो बस मेरी माया का प्रभाव है। पूरा हुआ, आप दोनों आमने सामने आ गए, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ये भेंट तो स्वयं नियति ने रची थी, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं इसमें सफल हुई। अपने स्वप्न में आपको मेरा जीवन बचाते हुए देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई गहरा संबंध है, इसलिए मैंने चित्रलेखा जी को मेरी सहायता करने के लिए कहा। ऐसा ही एक स्वप्न मैंने भी देखा था, किंतु वो स्वप्न नहीं सच लगा था। हाँ, कैसी वो घटना किसी और संसार में घट रही थी, जहाँ बस मैं और आप थे। उस सुनहरे स्वप्न के बाद तो केवल मिलने की ही प्रतीक्षा थी। मिलन के प्रयासों के लिए अनेकों बार धन्यवाद। और जो चित्रलेखा ने कहा वो भी एकदम सत्य है, हमारा मिलन तो होना ही था, इसीलिए तो आज हम यहाँ दोनों एक साथ हैं। यहाँ तो हम एक साथ हैं, किंतु यहाँ के बाहर हमारा एक होना बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता पिताजी इस बात के लिए मानेंगे या नहीं, हमारा विवाह हो पाएगा या नहीं। मैं वचन देता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तक तुम्हारे पिताजी हमारे विवाह के लिए मान नहीं जाते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं अनिरुद्ध जी से कोई भूल ना हो जाए, बाणासुर को पता चल गया तो? अब इन सभी चिंताओं से आगे जाने का समय है मूषक जी। तो प्रभु हमें क्या करना है ये तो बताइए, कुछ तो कहिए प्रभु, हमें क्या करना है? वही मूषक जी जिसका आपको भय है, बाणासुर को अनिरुद्ध के बारे में बताना है। बड़े भोज की तैयारी है, कोई विशेष मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गणेश जी,
ये तो मेरे प्रतिदिन का भोजन है। और हाँ, महादेव के अलावा उनके गण भी मेरे अतिथि हैं। आप चाहे तो आप भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, और कोई अतिथि नहीं है यहाँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी है तुम्हारे शोणितपुर में, जिसकी तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सेना को भी कोई जानकारी नहीं है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? ये असुर हाथ भी नहीं धोएगा और अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ और हमारे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। यदि उन्हें पता चला कि हम पहले ही मिल चुके हैं तो वो बिना सोच विचार किए आप पर प्रहार कर देंगे। उन्हें तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसका आभास हुआ आपको गणेश जी? क्यों लगा आपको ऐसा कि शोणितपुर में कोई है? मूषक जी, आप ही बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं प्रभु? जो अभी यहाँ आते हुए मार्ग में आपने सुना था। प्रभु, मुझसे क्या शत्रुता है आपकी? ये हजार भुजाओं वाला दुष्ट यदि दुष्ट हुआ तो मुझे मसल कर रख देगा। अये मूषक जी, क्या सुना था आपने? किसी पुरुष का स्वर था। पुरुष? कहाँ? राजकुमारी उषा के कक्ष में। असंभव। प्रभु, आपने ही उलझाया है मुझे, अब आप ही बचाइए। वो स्वर तो मैंने भी सुना था। मेरी आज्ञा के बिना शोणितपुर में कोई नहीं आ सकता। सच है, किंतु महादेव से तुमने ही वरदान मांगा था ना? तुम्हारा सामना किसी योग्य योद्धा से हो जो तुम्हारे हजार हाँ। उससे पूर्व मैं उसके हाथ काट दूंगा। आपके यहाँ होने का पिताजी को पता चलने से पहले आप यहाँ से निकल जाइए। यदि नियति ने हमें मिलवा ही दिया है तो अवश्य ही उसके गर्भ में कोई बड़ा उद्देश्य होगा। यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति जी महाराज। जाओ और महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों न छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा। जाइए, छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। शत्रु नहीं हूं, इसीलिए मुझे समर्पण के लिए मत कहिए और अपने महाराज को यह संदेश दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बंदी बनकर नहीं बल्कि उनका अतिथि बनकर।
महाराज, महाराज, राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है। क्या कह रहे हो मूर्ख, स्पष्ट कहो। राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है, उसने मुझे भी परास्त कर दिया। वो आपसे मिलना चाहता है, परंतु बंदी के रूप में नहीं, अतिथि के रूप में। एक कायर मेरा सेनापति कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा मेरे पुत्र के कक्ष में कौन है। संभव है वो कोई ऐसा हो जिसके साथ उषा का भविष्य जुड़ा हो। नहीं, उषा मेरी पुत्री है। उसका विवाह उसी से होगा जिसे मैं उसकी योग्य समझूंगा, किसी घुसपैठिए से नहीं। दुस्साहसी, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिलेगा। दुष्ट, अब नहीं बचोगे तुम। एक बार मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम मेरा परिचय तो जान लीजिए आप। तुम्हारा एक ही परिचय है, घुसपैठिए हो तुम, इसे दंड मिलना ही चाहिए। रुकिए पिताजी। मैं इसे प्रेम करती हूँ। इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम केवल उससे प्रेम करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बिन बुलाए यहाँ आए और मेरी पुत्री को प्रभावित करे, ये मैं कदापि नहीं सहूंगा। मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी पुत्री की बात से सुन लीजिए आप। बस, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव वो ही रख सकता है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो, जब मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करोगे तब सुनूंगा तुम्हारा प्रस्ताव। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। इतना भी स्वार्थी नहीं है, एक बालक को पहले दांव में परास्त कर दे, इसलिए पहला दांव चलने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। पिताजी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, भयभीत हो गए? करो वार मुझ पर। युद्ध छोड़ पूजा में लग गए। जब सामने प्रथम पूज्य हूँ तो भय कैसा, उनका नमन किए बिना रण में कैसे उतर जाऊंगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महोदराय विद्महे महोदराय महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, तन्नो दंती प्रचोदयात्। बस,
यदि तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई हो तो युद्ध आरंभ करें। पूजा में बाधा डालकर बाणासुर ने अपनी पराजय तय कर ली है। नहीं गणेश जी, आप इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे साथ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारे सामने एक बालक है। तुम्हें क्या लगता है, मेरे आशीर्वाद के बाद ये तुम्हारा सामना कर सकेगा? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि ये तुम्हारे हजार हाथ काट देगा? यही बात है ना, भयभीत हो गए तुम। भय स्वयं बाणासुर से भयभीत होता है। बाणासुर को किसी का भय नहीं। आपको जो आशीर्वाद देना है दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, जिस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है तुम उसमें सफलता पाओ। बस हो गया, अब करें युद्ध। आरंभ है बालक, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के हजार टुकड़े करूंगा मैं। होंगे जिस असुर ने मुझे मेरे स्वामी और पुत्र से अलग किया है, अपार कष्ट तो उसे भी भुगतना होगा। स्वामी, मैं थक रहा हूं किंतु इसकी गति तो पहले जैसी ही है। सावधान बाणासुर। एक ओर बिच्छू की पीड़ा और दूसरी ओर उनका क्रोध भी है। जब स्वयं प्रकृति की देवी अशांत हो तो उसका प्रभाव सृष्टि पर स्वाभाविक है। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोधाग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक माँ अपने काली स्वरूप को उजागर कर अपने क्रोध को ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर ना निकाल दें। बस बहुत हुआ, इसकी गति को मुझे अभी रोकना ही होगा। नागभांस, ये नागभांस का प्रहार कर रहा है।
हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपका आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकता है? युद्ध के आरंभ में इसने मेरे नाम का उच्चारण किया था, मेरी पूजा की थी। मैं इस विघ्न को इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनने दे सकता। मैंने तो किसी माया का प्रयोग भी नहीं किया, फिर भी तुम परास्त होकर मेरे समक्ष बंदी बने खड़े हो। किंतु शत्रु को बंदी बनाने में नहीं, उसका अंत करने में विश्वास है मुझे। किंतु बाणासुर, तुम ऐसा नहीं। गणेश जी, अतिथि हैं आप हमारे, और अतिथि अपनी मर्यादा भूल जाए तो आतिथ्य करने वाले से भी भूल हो सकती है। माँ के क्रोध का बाहर आना अब अनिवार्य है। अनिरुद्ध, माता काली का आवाहन करो, नाग फांस से वही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं। धर्म के तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक, दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण, तुम उमा तुम कमला कला निपुण। दुष्ट संहारक तुम मंगलकारक, तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़, शांत करो क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे हे कुलपाली। अब कोई सुरक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी। प्रणाम माँ। प्रणाम माता। धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद माता। मेरे नाग फांस को काट दिया देवी ने। अब मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा अहित नहीं हो सकता। आप मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। यदि माँ इसी तरह आगे बढ़ती रही और बाणासुर ने पिताश्री प्रभु महादेव का आवाहन कर लिया,
तो माँ और पिताश्री एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे माँ को रोकने का उपाय करना होगा। माँ, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। कितने दिनों से आपके हाथों पका कोई पकवान नहीं खाया मैंने माँ। पार्वती के मन में गोद में आए विघ्नहर्ता अद्भुत बालक परमा प्रेम। पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाना चाहती हूँ, किंतु यहाँ आने से पूर्व मुझे सूझा ही नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। माता, आप तो सारे जगत का ध्यान रखती हैं। गणेश जी के इस भक्त की ओर से ये भेंट स्वीकार करें माता। पुत्री, तुमने एक माँ और पुत्र की इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी, कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। माता, मुझे तो जो चाहिए था वो गणेश जी के आशीर्वाद से मिल ही गया। अब तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ माँ कि पिताजी हमारे विवाह के लिए मान जाए। लो पुत्र, खाओ। माँ की ममता तभी तृप्त होती है जब उसकी संतान उसके हाथों से भोजन कर तृप्त होती है। आपकी ममता तो संसार को हमेशा सीख देती है कि माँ कितनी भी व्यस्त क्यों ना, किसी भी कारण से कितनी भी क्रोधित क्यों ना, संतान की पुकार सुनते ही अपना सब कुछ त्याग कर संतान के सुख की कामना करती है। माँ, आप ऐसे ही जगत जननी नहीं। प्रणाम माता, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको अनेकों बार धन्यवाद। पुत्र, भक्त भी संतान के समान ही होता है, और भक्ति भाव से तुमने मेरा नाम स्मरण किया तो भला मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों ना आती। यदि आपने यही निर्णय लिया है आपको आपके स्वामी के साथ युद्ध करना होगा। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। हाँ, यही चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये उनका युद्ध नहीं, इसलिए यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ अनिरुद्ध की रक्षा के लिए आई थी, किंतु माँ अब इस युद्ध का कोई कारण ही नहीं तो अनिरुद्ध को सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही कहाँ है। किंतु गजानन, मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए युद्ध तो करना ही होगा ना, नहीं तो मैं उषा का पानी ग्रहण कैसे करूँगा। मेरी पुत्री का हाथ तो ये तभी थामेगा ना जब ये जीवित बचेगा। बाणासुर, अनिरुद्ध ऐसा योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यदि तुम ऐसे योद्धा का सामना करना चाहते हो जो तुम्हारे सामने टिक सके, तो अनिरुद्ध को बंदी बनाओ और उसके पिता या पितामह को बुलाओ। किंतु गणेश जी, यदि मैं बंदी बनूंगा तो मेरे पिता और पितामह का अपमान होगा। वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए बंदी भी बनना पड़े तो कोई अपमान नहीं। बुद्धि के देवता यदि कुछ सुझाव दे रहे हैं तो
अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। लो, समर्पण कर दिया इसने। यदि वो योग्य है तो मैं इसके पिता और इसके पिता के पिता को भी चुनौती देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पिता और पिता माँ का परिचय जानते भी हैं? परिचय कायर मांगते हैं और योद्धा युद्ध करते हैं। मुझे कोई भय नहीं। मेरे समक्ष जो भी आएगा वो पराजित होकर ही जाएगा। यदुवंश से हूं मैं और मेरे पिता का नाम है प्रद्युमन और मेरे पिता माँ का नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो क्या हुआ, बाणासुर के सहस्त्र हाथ हैं। ऐसे महान योद्धा को श्री कृष्ण का कोई भय नहीं। सत्य कहा गणेश जी ने, बाणासुर को किसी का भय नहीं। मैं बाणासुर द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता हूं। श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता हूं। नारायण नारायण। देवऋषि, आपका ये संदेश तो मैं ही श्री कृष्ण जी तक पहुंचाऊंगा। उचित समय पर आए हैं आप। संदेश में यह भी कहना कि पूरी तैयारी के साथ आए वो, क्योंकि मेरे जैसे योद्धा का सामना पहली बार करेंगे वो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। क्षमा कीजिएगा, बिना सूचना दिए ही मैं यहाँ पे आ गया, किंतु ये एक संदेश देना अति आवश्यक है। युद्ध के लिए इन सभी अस्त्रों को तैयार करो। यह स्थान योद्धाओं का है, स्त्रियों का नहीं। हम भावी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानती हूं स्वामी, और ये भी जानती हूं कि इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम संभव है, आपका विनाश। पत्नी मेरी हो और विजय के कामना शत्रु की कर रही हो, मनोबल गिराने आई हो मेरा यहाँ, क्या यही धर्म है एक धर्म पत्नी का? पत्नी धर्म ही तो निभाने आई हूँ स्वामी, इसलिए आपको आपके विनाश से रोक रही हूँ। भला ईश्वर से भी कोई विजय पा सकता है क्या? अभी भी समय है, आप सत्य को स्वीकार कर लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दीजिए। वो एक वीर एवं साहसी युवक है, हमारी पुत्री के सर्वथा योग्य है। प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। माते। नारायण नारायण। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। आप जानना चाहती थी ना कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बस, युद्ध का तुम्हें कोई अनुभव नहीं, इसलिए तुम्हारे सुझाव का कोई महत्व नहीं। शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। आपकी अर्धांगिनी को आपकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे कार बनाना चाह रही हो तो मैं भी बता दूं, अर्धांगिनी नहीं हो तुम मेरी, अभी तू वो अर्धांग हो जो मेरे लिए व्यर्थ है। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आप मेरी आधी शक्ति हैं, जिस शक्ति की आवश्यकता मुझे रणभूमि पर है। तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? तुम्हें अपनी रानी कहने में भी लाज आ रही है मुझे।
आज से मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं। आज तक मैं किसी भी युद्ध में अपनी किसी भी रानी के साथ नहीं गया, किंतु आप मेरे साथ चल रही हैं। आशा है इससे आप समझ सकेंगे कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास था बिना मुझसे मिले आप लौटेंगी नहीं। स्वामी, आपके बिना कैलाश ही नहीं, आपकी शक्ति पार्वती भी अधूरी है। आपका कैलाश और आपकी अर्धांगिनी दोनों आपकी प्रतीक्षा में है। शीघ्र ही वो समय भी आएगा। मेरा भक्त होकर भी नहीं जान पाया शक्ति के बिना शिव शव है, और उसने तो अपनी शक्ति अर्थात अपनी अर्धांगिनी से विलग होकर अपनी शक्ति भी आदि कर ली। तो आपकी ये अर्धांगिनी कैलाश में आपकी प्रतीक्षा करेगी। उचित समय आने पर बाणासुर को अवश्य समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। प्रभु, युद्ध भूमि पर पहले आपको जाना होगा। किंतु बाणासुर, युद्ध तो तुम करना चाहते थे अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा से। हाँ, वही कर रहा हूं प्रभु। अभी आपका बल भी मेरा ही बल है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। मुझे पिताजी को समझाना ही होगा। क्या समझाना चाहती हो मुझे पुत्री? पिताजी, देखिए कितनी विशाल सेना है, और देखिए कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस सेना का। स्वयं लीलाधारी नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण, और तो और वो अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ यहाँ आए हैं। और इतना ही नहीं, उनके दाई और शेषनाग के अवतार हलधर महाबली बलराम जी हैं, और उनके बाई और उनके पुत्र प्रद्युमन जी। पिताजी, क्या आप इन सभी के साथ युद्ध करना चाहते? बस, तुमने उनकी सेना तो देख ली, अब मेरी सेना भी देख लो।
देवादि देव महादेव संसार के संहार का दायित्व है जिनके ऊपर, जिनके तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। इनके दाएं ओर हैं महादेव का भार अपने ऊपर उठाने वाले अपार बल के स्वामी, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक महादेव के सर्वप्रिय भक्त नंदी। इनके बाएं ओर हैं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी। विघ्नहर्ता गणेश जी, इनके पीछे है शिव गणों की सेना। अब बताओ कौन है अधिक शक्तिशाली? शक्ति का वास तो वहां होता है पिताजी, जहां धर्म का पालन होता है। यदि ऐसा है तो आज मैं इसे भी गलत साबित करूंगा। धर्म से खेलूंगा, भगवान को भगवान से लड़वाऊंगा और एक दूसरे का अंग उन्हीं से करवाऊंगा। आज हरि हर को अलग करवा दूंगा। एक दूसरे के भक्त भी तो है ना ये, फिर भी आमने सामने होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंद नहीं पिताजी, ये तो पाप है। महादेव को अपने वचन से बांधकर आपने उचित नहीं किया पिताजी। बस, यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो अभी तुम्हारा वध कर देता। और जो यहां हो रहा है उसका कारण भी तुम हो। अपने प्रेमी को सबसे छिपाकर और राजभवन में उसे प्रवेश दिलवाकर स्वयं को और अपने परिवार को तुमने कलंकित किया है, और अब तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रही हो। प्रेम किया है मैंने पिताजी, और सच्चा प्रेम निष्कलंक होता है। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर का वास्तविक वास होता है। ये है सच्चा प्रभु प्रेम और भक्ति। दोनों प्रभु युद्ध भूमि में युद्ध करने आए, किंतु यहाँ एक दूसरे की भक्ति में डूब गए हैं। जैसे युद्ध भूमि को ही दोनों ने मंदिर बना दिया हो। ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से ही संभव है। जिसके मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सिर्फ स्वार्थ भरा हो, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को पूछता हो, वो भला क्या समझेगा? मैं ही मूर्ख हूं जो पिता प्रेमवश होकर आपको समझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हूं। प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ और अपने प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत मैं स्वयं अपने हाथों से अनिरुद्ध का अंत करूंगा। आप ना तो नियति जानते हैं और ना बनाते हैं, आप ईश्वर नहीं है पिताजी। ईश्वर तो ये है जिन्हें आज मेरे लिए युद्ध करना होगा। पिताजी, प्रभु महादेव
और प्रभु कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए पिताजी। युद्ध भूमि में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना ही परिवार। वहां तो केवल एक योद्धा होता है जो अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध कर युद्ध धर्म का पालन करता है। आज इन्हें भी युद्ध धर्म का पालन करना होगा। प्रभु, कितने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, किंतु युद्ध भूमि पर होने के कारण आपके प्रति अपनी आत्मीयता भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं भी तो आपके प्रभु श्री राम स्वरूप के दर्शन पाने के लिए लालायित हूं। मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं का नाम तो सदा जपता हूं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे महाशिव स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कपर्दिनील लोहित शंकर शूल पाणिश्च खट्वांगी विष्णु वल्लभ शिपि विष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्त वत्सल। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय। ये कैसी माया है? माया नहीं है पिताजी, ये सत्य है। आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। कोई किसी के भी विरुद्ध हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो केवल ये युद्ध जीतकर अनिरुद्ध का अंत करना है। इन दोनों को मैंने यहां हलफ मिलाप के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव। खड़े मत रहिए, शत्रु है सामने, उसे मित्र मत समझिए। अपने वरदान को मत भूलिए, युद्ध आरंभ कीजिए। युद्ध की तैयारी करो। देवी सत्यभामा, युद्ध के आरंभ का शंखनाद आप कीजिए। शस्त्र
प्रभु, महादेव ने अपने पहले ही वार में भूत पिशाचों की सेना भेज दी। प्रभु के भूत पिशाच धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। धर्मास्त्र, धर्मास्त्र। इतिहास नहीं युद्ध है। तुम्हें व्यर्थ के बिना शिव जोर अस्त्र का आह्वान कीजिए जो असहनीय ताप उत्पन्न करेगा। शिव जोर अस्त्र, शिव जोर अस्त्र। युद्ध का आनंद। स्वामी, इस ताप का सामना कैसे करेंगे आप? नारायण ज्वर अस्त्र, नारायण ज्वर अस्त्र। प्रभु के अस्त्र के ताप के बराबर की शीत उत्पन्न करेगा। ईश्वर अपनी सेनाओं को आहत होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बिना अस्त्रों के होगा। किंतु हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपने पूरे युद्ध कौशल का प्रयोग कर ये युद्ध लड़ेंगे। बहुत दिनों बाद किसी योग्य योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिला है। सही कहा प्रभु बलराम जी, योद्धा योग्य हो तो युद्ध में भी आनंद आता है। तो फिर आप अपना वार पूरी शक्ति से कीजिएगा नंदी जी। उचित है। युद्ध नहीं, खेल कर रहे हैं ये, मुझे मूर्ख बना रहे हैं। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महादेव, आप श्री कृष्ण पर कठोर प्रहार कीजिए, अपने घातक शिवास्त्र का प्रयोग कीजिए। शिवास्त्र, शिवास्त्र। We'll be right back.
योजना दूसरी बना रहे हैं। कदाचित मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। प्रभु को युद्ध के लिए विवश करना ही होगा। प्रभु, आपसे मिले वरदान के अनुसार मैं आपके सबसे घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं। पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं, जिससे एक ही वार में युद्ध का अंत हो। जिससे एक ही वार में युद्ध का अंत हो। यदि पिताश्री ने पाशुपतास्त्र का वार किया तो प्रभु श्री कृष्ण के पास एक ही उपाय रह जाएगा। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। किंतु प्रभु, ब्रह्मांड में दो सर्वाधिक शस्त्र टकराए तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी लौट कर आऊंगा। पिताश्री, आप प्रभु श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके आराध्य के ही अवतार हैं। प्रभु, आप उन पर ब्रह्मास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं जब आप स्वयं भी उनकी ही पूजा करते हैं? आप दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, फिर ऐसा क्यों? मैं अपने वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता गणेश। मैं विवश हूं गणेश। पशुपात अस्त्र का सामना तो केवल एक ही अस्त्र कर सकता है, ब्रह्मास्त्र। किंतु पिताश्री, पाशुपतास्त्र के सिवाय भी तो कोई उपाय होगा। ब्रह्मास्त्र छोड़कर आप किसी और अस्त्र का प्रयोग करने की कृपा कीजिए ना। मैं भक्त खुद ही वरदान से बंधा हूँ गणेश। प्रभु वरदान से बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य से उनके अस्त्र से रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं, इसलिए मुझे उसका प्रयोग करना ही होगा। गणेश जी, आप कुछ भी कर ले, परंतु होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। किंतु इन अस्त्रों के टकराव से जो विनाश होगा उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। एक युक्ति है इन्हें रोकने की। पिताश्री, आप एक भक्त को दिए वरदान से बंधे हैं, किंतु यदि आपका कोई अन्य भक्त आपकी आराधना कर आपसे वरदान मांग ले तो मुझे उसे भी वरदान देना होगा। प्रभु, पिताश्री महादेव वरदान से बंधे हैं, किंतु एक और भक्त उनसे दूसरा वरदान मांग ले तो? चतुर गणेशा। प्रभु, आप सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करेंगे और मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति आपके सामने रखूंगा। असली युद्ध तो अब होगा। और वो शक्ति होगी मेरी भक्ति। भक्ति? वो भला किसी का अस्त्र कैसे हो सकती है? ये कौन सी लीला रच रहे हैं ये दोनों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति भाव से इस स्तुति गान से आपने मुझे अपने हृदय में वास करने का आह्वान किया है।
जिस प्रकार आपका श्री राम स्वरूप मेरे हृदय में समाहित है, मैं भी सदैव आपके हृदय में वास करूंगा। तो क्या आप मुझे भक्त रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु? अवश्य। फिर अपने भक्त पर आप शस्त्र भी उठा सकेंगे प्रभु? प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अपना अस्त्र वापस नहीं कर सकते। मैंने युद्ध करने के लिए कहा है आपसे, वो तो आपको करना ही होगा। मुझे दुविधा में मत डालो बाणासुर, मैं अपने भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु आपका भक्त होने के नाते मैं आपको किसी दुविधा में नहीं रखना चाहता। आप बाणासुर के कहे अनुसार युद्ध भूमि में तो आ गए, किंतु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि आप एक वरदान के अनुसार रणभूमि में रहने पर भी मुझ पर अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तथास्तु। महादेव अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो उठा सकता हूं। मेरे ये हजार हाथ उठा सकते हैं। मेरे हजार हाथ प्रस्तुत हो। भ्राता कृष्ण, इस दुष्ट को पाठ सिखाने दो मुझे। नहीं दा, जो ये चाहता है इसे मिलने। लगता है मेरे हजार हाथ दिखाई नहीं दे रहे आपको, इसलिए निशस्त्र रहकर मेरे सामने आने का दुस्साहस कर रहे हैं। व्यक्ति शस्त्रों में नहीं, व्यक्ति की इच्छाओं में होती है, और यदि उसी में बुराई तो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्तियों का ह्रास और पतन तो होना ही है। किंतु मेरा पतन नहीं होगा, कदापि नहीं। मेरे हजारों अस्त्र पल भर में नष्ट हो गए। आपके चक्र ने मेरे अस्त्रों को नष्ट कर दिया, किंतु अब मैं आपके चक्र को ही नष्ट कर दूंगा। महादेव की शक्ति पाकर यह त्रिशूल आपके चक्र को ही खंडित करेगा। होगा मोरा अपने प्राण बचा के निकल जाना। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी हजार भुजाओं को भी तुमसे विलग कर देगा। इस दुष्ट को इसका उचित दंड मिल रहा है। अभी भी समय है बाणासुर, प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर क्षमा मांग लो। मेरा भक्त है ये, इसे इस प्रकार मृत्यु के मुख में जाते हुए मैं नहीं देख सकता। रुक जाओ, इसे इसकी शेष भुजाओं के साथ जीवित रहने दीजिए। मैंने आपका अनुचित प्रयोग किया, अपनी भक्ति से आपको विवश कर दिया, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की,
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, दया, करुणा, ये ईश्वर के स्वभाव है मानसुर, किंतु ये तभी संभव है जब भक्त सभी विकारों को त्याग कर शरणागत हो जाए। ध्यान से देखो, तुम किनसे युद्ध कर रहे थे? आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भगवान को ही भगवान के सामने कर, ये मैं कैसा घोर पाप कर रहा था। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये भूल तो मुझसे हुई, किंतु अब और कोई भूल नहीं करूंगा। महादेव और उनके गणों को उनके वरदान से लुप्त करता हूं और अनिरुद्ध को भी बंदी ग्रह से मुक्त करने का आदेश देता हूं। बाणासुर, अपनी भूल को तो स्वीकार कर लिया तुमने, किंतु क्या तुम उस वचन को भी पूरा करने को तैयार हो जो युद्ध से पहले तुमने अनिरुद्ध को दिया था? बाणासुर, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार। ये तो मेरी पुत्री का परम सौभाग्य होगा। हे विघ्नहर्ता, आपकी सहायता के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। मैं विवाहित युगल को आशीर्वाद देती हूँ इस आशा से कि अगला विवाह मेरे पुत्र गणेश का होगा। किंतु उससे पहले हमें उस दुष्ट नरकासुर को रोकना है जो उन राजकुमारियों से विवाह करने के लिए उन्हें अपार कष्ट दे रहा है। भक्त की कुशलता है ईश्वर की प्रसन्नता का कारण है। बंदी राजकुमारियों का तप अब अपने चरम पर है। नरकासुर के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत अब निकट है। प्रभु, नरकासुर के अधर्म का कारण भी मैं ही, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, उसे भी धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं उसे समझाऊंगा। उचित है बाणासुर, तुम हमारे साथ चल सकते हो। महाराज, महाराज, तुम आए हो तो कोई शुभ समाचार तो अवश्य ही होगा। लगता है हजारों राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं। महाराज, हजार राजकुमारियों का तो मुझे ज्ञान नहीं, किंतु आपके मित्र बाणासुर के हजार हाथ अवश्य कट चुके हैं। ये कैसे संभव है? किसने किया? श्री कृष्ण ने महाराज। शोणितपुर से वो अपनी विशाल सेना के साथ इसी ओर बढ़े होंगे। तो क्या हुआ? मैं अपनी मायावी शक्ति से और विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। श्री कृष्ण की सेना उनसे युद्ध करते करते थक जाएगी, किंतु मुझ तक नहीं पहुंच सके। प्रभु, मैं नरकासुर को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं आशा करता हूं कि नरकासुर का भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो माँ भूदेवी का वो सदाचारी पुत्र बने जिसे उन्होंने बड़ा किया था। उरा,
तुम सेना की कमान संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पुत्रों से कहो वो अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में फैल जाए और श्री कृष्ण की सेना जहां तक पहुंच भी ना सके। अवश्य महाराज, वो सेना यहां पहुंचेगी या नहीं ये तुम पर निर्भर है मित्र। मित्र बानासुर, मैंने तो सुना था तुम, लेकिन तुम तो ठीक हो। तुमने उचित सुना था मित्र, और मैं ठीक हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा कर मुझ पर कृपा की है। तुम बानासुर ही हो ना, ये बोल मेरे मित्र बानासुर के नहीं है। मित्र जब आंखें खुल जाएं और मार्ग साफ दिखाई देने लगे तो चाल और बोल दोनों सीधे हो जाते हैं। इसलिए समय रहते तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं तो तुम्हारी सेना और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। क्या कह रहे हो बाणासुर? जिसने इंद्र को सज्जा की सामग्री बना दिया, जिसने त्रिलोक को जीता, वो एक कृष्ण से भयभीत होकर पीछे हट जाए? व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके साथ रहते हैं मित्र, अहंकार जैसे विकार नहीं। जो परम सत्य है, परमात्मा है, उनको पहचानो और सुधर जाओ। श्री कृष्ण से युद्ध करने के स्थान पर उनके शरणागत हो जाओ मित्र। शरणागत? और मैं? कोई और ऐसा सुझाव देता तो उसकी जीवा कटवा लेता मैं। हजार हाथ क्या काट दिए तुम इतने भयभीत हो गए कि श्री कृष्ण का दूत बनके मेरे पास आए हो? दूत नहीं, उनका भक्त बनकर आया हूं। शत्रु के दूत या भक्त, जो भी हो तुम, तुम्हारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा इससे पहले मैं इसका वध कर दूं, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ उसे। सैनिकों, किंतु मित्र मेरी बात समझने का प्रयास करो। मित्र मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है नरकासुर। अपनी भूलों को स्वीकार कर और देवी कामाख्या से क्षमा मांगो। सम्मान उन राजकुमारियों को मुक्त करो, या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र नहीं पुत्र, तुमने प्रभु की चेतावनी नहीं सुनी क्या? आपका पुत्र त्रुपल या काय नहीं है ना? नरकासुर चेतावनी नहीं देता, अस्त्र उठाता है। पुत्र मेरी बात सुनो। एक माँ का हृदय आहत हुआ है, उसी का अनुभव आपको भी हुआ। इस युद्ध में आपको पूर्ण रूप से भाग लेना होगा देव। युद्ध शक्ति और सामर्थ्य के बिना नहीं जीता जा सकता देवी। और आप मेरी शक्ति भी है और सामर्थ्य, इसलिए आपकी सहायता के बिना इस पापी अधर्मी का अंत संभव नहीं। अपने सबसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूंगा मैं। वध किया है तुमने, इसका दंड मैं देकर रहूंगा। पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अस्त्र, और युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र नष्ट होते ही।
युद्ध में योद्धा प्राण भी खोते हैं, जैसे कि अब तुम खोने वाले हो। मेरे पुत्रों के वध का प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शक्ति और सहयोगिनी है ना, तो मैं उसे ही आहत करूंगा। मेरी अर्धांगिनी मेरी अर्धशक्ति है, वो स्वयं सक्षम है। निशस्त्र ही तुम्हारे अस्त्र को रोक सकती है। बार भी तुम काटोगे ये वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता रहा तो ना इसका वध हो सकेगा और ना ही इस युद्ध का अंत होगा। इसके शीश लौटने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। संभव है ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त है इसे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मूरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो अभी तक सुरक्षित है? मूरा के पांच शीश उसकी पांचों इंद्रियों के विकार हैं, तो उसका वध तभी हो सकेगा जब प्रभु श्री कृष्ण कामदेव के पंच बाणों को एक साथ उस पर छोड़ेंगे। जब जब धर्म की रक्षा और पाप के अंत करने की बारी आई है, हम सभी देवता एकजुट हुए हैं। इस दुष्ट का अंत और धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष और बाण प्रस्तुत हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये तो प्रभु श्री कृष्ण को अवसर ही नहीं दे रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। चट्टानों की कमी नहीं है यहाँ। तुम एक नष्ट करोगे, मैं दो और फेंकूंगा। क्या करूं? मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? कामदेव के पंच बाण। आखिर विघ्नहर्ता गणेश विघ्न मिटाने के लिए पहुंच ही गए। पांच बाण हैं और पांच शीश। ये बाण तो दिव्य लग रहा है। उमादन, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन, मूरा के पांच शीश पांच विकारों से ग्रसित इंद्रियों के प्रतीक हैं, और ये पांच बाण उन्हें नष्ट करेंगे।
प्रभु, मूरा के वध से आपने प्रमाणित कर दिया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, किंतु विजय सदा अच्छाई की ही होती है। इसलिए आज से आप मुरारी नाम से भी जाने और पूजे जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय। शांत हो जाओ तुम सब, अपनी शक्तियां बचा के रखो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें मेरा जयकार करना होगा तुम सबको। होरा की पुत्री काम कंटकटा, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का वध किया है? मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। स्वामी, मर्यादा के अनुसार आप एक स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे तो मुझे आज्ञा दें। देवी सत्यभामा, इसका अंत आपके हाथों से नियत नहीं, इसीलिए ये युद्ध भी करेगी तो इसका अंत नहीं होगा। हे माता कामाख्या, बड़ी विकट स्थिति है। ऐसे संकट में एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आपके पिता को मैंने इस मृत्यु लोक से मुक्ति दी, तो अब तुम भी इस धरती लोक से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं दया नहीं करूंगी, तुम्हें अपने पांव के नीचे कुचल कर रख दूंगी। पुत्री, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भावी संबंधी को हानि पहुंचाना चाहती हो? भविष्य में इनके संबंधी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पुत्र स्वयं नारायण के अंश बर्बरिक होंगे, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो अपने पांव से अपने भविष्य को ठोकर मारने की भूल मत करो। ध्यान से देखो और पहचानो, स्वयं नारायण श्री हरि तुम्हारे सामने हैं। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था, किंतु माता ने पुनः मेरे भीतर के विवेक को जगाकर मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित करा दिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण होगा। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा कर। आज्ञा दे प्रभु। जिसने तुम्हारे पिता का ही नहीं तुम्हारे भाइयों का भी वध किया है, उनके छलावों में मत आओ। नहीं, उन्हें प्रभु ने नहीं, उन्हें तुमने मारा है। और यदि तुम ये युद्ध नहीं रोकोगे तो तुम्हारा भी अंत शीघ्र ही होगा। कायर नहीं है नरकासुर, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं मैं। प्रण लेता हूं, या तो अपने शत्रु को पराजित करूंगा या अपने अंत तक युद्ध करूंगा। प्रभु, इसने स्वयं अपने पापों का घड़ा भर लिया है, इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। नारायण सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते।
जिस मायावी फास से मैंने देवताओं को बांधा था उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? देवी कामा, क्या आपने जो मुझे शक्ति दी थी वो आप मुझसे वापस नहीं ले सकती? मैंने तब से शक्ति अर्जित की थी। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। तुमने अपनी माँ को कष्ट पहुंचाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लिया है, अपने पाप का घड़ा भर लिया है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। मायावी शक्ति ही नहीं, दिव्य अस्त्र भी है मेरे पास। मेरी विजय के लिए पर्याप्त है। चला दो जो भी तुम्हारे मार्ग के सामने आए। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए हैं नरकासुर। जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक युद्ध करता रहूंगा मैं। निशस्त्र योद्धा पर वार करना मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए या तो अपनी पराजय स्वीकार करो या मुझसे कोई अस्त्र मांगो। ना भिक्षा ना दया, नरकासुर ने इनसे मिले कोई वस्तु कभी स्वीकार नहीं की, ना कभी करेगा। निशस्त्र नहीं हूं मैं, मेरे पास अस्त्र है। उसकी पराजय सामने है किंतु अहंकार अभी भी नहीं त्यागा नरकासुर ने। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। ये देखो मेरा यह अस्त्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरजधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण। हमारा उद्धार करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवियों, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। उन्होंने नरकासुर का संहार किया है, इसलिए आप सभी अब मुक्त हैं। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? मेरा आशीष सदा आपके साथ। अब आप सभी मुक्त हैं, अपने नगर लौट सकते हैं। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? आप ही हमें क्यों नहीं अपना सकते प्रभु? आप सभी पर कोई आंच ना आए, आप सदा मेरी शरण में रहे, इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। हमारा उद्धार करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश,
और माता कामाख्या के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। प्रणाम आदा। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा मिलता है और आप सभी ने प्रभु का नाम हृदय से जापा है, इसलिए आपसे प्रभु का नाम जुड़ा है। आज के बाद से जो सच्चे मन से अपने दोषों को छोड़कर मेरे कामाख्या धाम आएंगे उन्हें सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होंगी। हमारा जीवन सार्थक हुआ, प्रभु ने हमें अपना नाम देकर हमें मोक्ष दिया, हम कृतार्थ हो गईं। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूर्णता पाने का समय है, अर्थात अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विवाह होने वाला है। वो मैं ये तो होना ही था प्रभु, तो आप संकोच मत कीजिए, हमें चलना चाहिए, कैलाश में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु, आज देवी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरकर आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपकी अर्धांगिनी आपको पूर्ण करती है। प्रभु, माता सत्यभामा, माता कामाख्या, आपके आशीष से मेरा विवाह भी निर्विघ्न संपन्न होगा। प्रभु कितने चाव से विवाह करने की शीघ्रता में है। विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके विवाह में भला विघ्न कैसे आ सकता है? जो संसार अपने सभी भक्तों का विघ्न हरते आए हैं, भला उनके सामने कोई विघ्न कैसे टिक सकता है? आपने मूरा के वध में मेरी सहायता की, जिससे मुझे मुरारी नाम प्राप्त हुआ। संभव है अब आगे जो होगा उससे आपको भी एक नया नाम प्राप्त होगा। अब तो मुझे लग रहा है जैसे आपको भी किसी विघ्न का आभास हो गया हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शीघ्रता कीजिए और आप जाकर वो कार्य संपन्न करवाइए। अरे, फूल माला उचित रूप से लगाइए। आज मेरी पुत्री का विवाह है प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ। स्वयं महादेव और माता पार्वती भी आ रहे हैं, सभी देवताओं के साथ, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। ॐ गणपते नमः। ॐ गणपते नमः। ढोल बजी शहनाई, बजी बड़ी मंगल। प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरे पांव बार बार अनुचित दिशा में क्यों उठ रहे हैं? रुक जाइए। क्या हुआ गजानन, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ पुत्र, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? माँ, मुझे जाना होगा। किंतु गणेश जी, आप अपनी बारात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कोई भक्त मेरा आवाहन कर रहा है। किंतु प्रभु, यहाँ आपका रहना आवश्यक है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। गणेश ने उचित कहा, उसे जाना ही होगा। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़कर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। किंतु गणेश, तुम्हें शीघ्र ही जाकर शीघ्र ही आना होगा, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। चिंता मत कीजिए माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। ओम से
प्रणाम प्रभु। बोलो, कौन हो तुम वत्स और क्या चाहते हो? प्रभु, मैं सूर्यदेव के अहंकार से उत्पन्न हुआ हूँ, उनका पुत्र हूँ मैं, अहंतासुर। सृष्टि में आपका योगदान सबसे सराहनीय है सूर्यदेव। हाँ प्रभु, सारे देवताओं में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे समान स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला और कोई देवता नहीं। आपके शब्दों से अहंकार झलक रहा है सूर्यदेव, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपके अहंकार से उत्पन्न हुआ है सूर्यदेव, ये शोभनीय लगते हुए भी अंधकार में है। ये सभी को स्मरण कराएगा कि अहंकार से दूर रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम होगा अहंतासुर। प्रभु, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रभु गणेश की पूजा करनी चाहिए। जब तुम्हारा तप पूर्ण होगा तो तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनसे वरदान मांगोगे। ब्रह्मदेव के निर्देश से मैं आपकी तपस्या कर रहा था प्रभु, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपसे क्या वरदान मांगू। प्रभु, ये ऐसे ही सोचता रहा तो हमें बहुत विलम्ब होगा। अपने मन को टटोल कर देखो, ऐसा क्या है जिसे पाकर तुम संतुष्ट होगे? मैं सूर्य देव का पुत्र हूँ प्रभु, जिस प्रकार मेरे पिता का प्रताप तीनों लोकों में है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रताप भी त्रिलोक में हो। इसलिए प्रभु आप मुझे ये वरदान दें कि ऐसा कोई भी जिसका शरीर हो, वो देवता हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो या किन्नर हो, पशु हो या नाग हो, मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुँचा सकता। सोचिए मत प्रभु, शीघ्रता कीजिए, हमें देर हो रही है। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। ठीक तो है ना? दुल्हन को बुलाइए। क्या हुआ मूषक जी, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? नंदी जी, पता नहीं क्यों मुझे किसी विघ्न का आभास हो रहा है। क्या मूषक जी, विघ्नहर्ता के विवाह में भला कोई कैसे विघ्न डाल सकता है? संभव है नंदी जी। Yeah!
तुम्हारा मनचाहा वरदान तो दे दिया मैंने, अब फिर यहाँ क्यों आए हो? उस वरदान को पूर्ण करने, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने। विघ्नहर्ता गणेश जी के विवाह में विघ्न बनने का तुम्हारा ये दुसाहस कहीं तुम्हारे वरदान को अभिशाप न बना दे। चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें, शांति पूर्वक यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अपना परिणाम तो मैं तय कर चुका हूँ गणेश जी से वरदान प्राप्त करके। बहुत हुआ। कहा था ना मैंने, मैं अपना परिणाम जानता हूँ, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका ये विवाह संपन्न हो, तो आप मेरे पिताजी सूर्यदेव के साथ सभी देवता अपने परिणाम को स्वीकार करें और मेरे अधीन हो जाएं। कोई भी शरीरधारी, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, कोई गंधर्व हो या किन्नर, नाग हो या कोई भी पशु, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो मेरे साथ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रभु, ये तो आपके वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हे गौरी पुत्र, जो भी आवश्यक है उसे करने में विलंब मत कीजिए। इसे तो मुझे ही संभालना होगा, किंतु विवाह के बीच मंडप से उठना उचित नहीं है पुत्र। किंतु माँ, मुझे उठने की कोई आवश्यकता कहाँ है, वैसे भी सशरीर रहकर तो उसे नहीं रोका जा सकता ना। व्यर्थ का प्रयास बंद करो और मेरे बंदी बन जाओ। बहुत हुआ हिंतासुर, तुम शांति पूर्वक चले जाओ यहाँ से। किंतु मैं तो आपके ही वरदान का सदुपयोग कर रहा हूँ प्रभु। वरदान की शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए प्रयोग की जाएं, तभी वो उनका सदुपयोग कहलाता है, अन्यथा उस वरदान को शाप में बदलते देर नहीं लगती। अब तो मुझे आपसे भी भय नहीं है गणेश जी, आप अपना ही वरदान भूल गए। धूम्र से उत्पन्न हुए शरीर रहित स्वरूप है पुत्र गणेश का, ये इसका आठवां अवतार होगा, इसलिए इसका नाम होगा धूम्र वर्ण गणेश। मैं तो बस धूम्र हूँ, धूम्र वर्ण गणपति हूँ, शरीर नहीं है मेरा, बस एक आकार है। मेरे द्वारा तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना अहिंतासुर। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञात नहीं था, भटक गया था प्रभु, इसलिए ऐसे शुभ कार्य में विघ्न डालने आ गया। उचित है, तो आज से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जहाँ भी अधर्म होगा, अनुचित प्रयोजन से अवैधिक अनुष्ठान होगा, अशुभ के लिए पूजा होगी, तुम वहाँ विघ्न उत्पन्न करोगे। अवश्य प्रभु, अवश्य।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादतुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् आज विघ्नहर्ता गणेश ने अपने विवाह के विघ्न को दूर किया है। उसी प्रकार किसी भी शुभ कार्य में अर्थात विवाह पूजा अनुष्ठान आदि में जो भी गणेश की पूजा करेंगे विघ्नहर्ता उनके सारे विघ्न हर देंगे। फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब कन्याएं आगे आइए। फेरे संपन्न हुए, अब वर वधु सभी से आशीर्वाद लीजिए। गणेश, तुम पूर्णता प्राप्त कर चुके हो, अब रिद्धि सिद्धि पुत्रियों के साथ प्रथम पूज्य सिंहासन पर विराजमान हो। रिद्धि ऐश्वर्य और संपदा प्रदान करेगी और सिद्धि ज्ञान की सिद्धि देगी और रिद्धि सिद्धि के एक साथ होने से बुद्धि प्राप्त होगी। अब तुम अनंत काल तक रिद्धि सिद्धि के साथ संसार का कल्याण करोगे और भविष्य में शुभ और लाभ तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारी पुत्री संतोषी तुम्हारे परिवार को पूर्णता देगी। तुम्हारा परिवार इसका प्रतीक बनेगा कि बुद्धि के साथ जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है वहाँ शुभ लाभ होते हैं
किंतु फिर भी मन में संतोष होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। 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 कल्याण उसी का होता है जो अपने विकारों को वश में कर ईश्वर के शरणागत हो जाए।